चेंज किया जेल, आपको जेल मिलेंगे, जेल मिलेंगे आपको, और क्या है तीन है पता नहीं बेटा क्या। देखो बेटे बात ये है, ये तो दोनों ट्रांसफार्मर हैं, ये ट्रांसफार्मर है इसको मोटर को चलाने के लिए, ठीक है ना, और ये ट्रांसफार्मर स्प्रेड को चलाने के लिए। बहुत आसान प्रोजेक्ट है, 220 वोल्ट आए यहाँ पर, स्टेप डाउन हो गए 12 वोल्ट एसी में यहाँ पर, और डायोड कैपेसिटर ने एसी को डीसी में बदल लिया, प्योर 5 वोल्ट चाहिए माइक कंट्रोल काम करने के लिए, इसलिए अपन ने 7805 आईसी लगाई, ठीक है। इसने 5 वोल्ट सप्लाई दे दी माइक कंट्रोलर को, ऑटो कपलर को और ईपी रोम को, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो स्विच है ना, इसका नाम है रीड स्विच, कौन सा, ये वाला, इसका नाम है रीड स्विच, ये एक मैग्नेट, ये अपनी एक मोटर है, ठीक है। ये मोटर घूमती है तो ये टायर घूमता है, टायर घूम के वो मारता है सर्कल, ठीक है, तो ये इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट जाता है MCT2E IC पर, MCT2E का आउटपुट जाता है, ये ऑटो कपलर है, हाँ ऑटो कपलर IC है, इसका आउटपुट जाता है माइक कंट्रोलर पर, माइक कंट्रोलर क्या काउंटिंग करता है और स्पीड निकालता है, वो डिस्प्ले करता है LCD पर, ठीक है, और क्या करता है साथ के साथ सेव करता है EP रोम पर, गाड़ी रुकते ही, पहले नहीं करता ध्यान रखना, क्योंकि पहले इंटरप्ट मोड में रहता है ये, ठीक है, इंटरप्ट मोड से निकालने की गाड़ी रोकनी पड़ती है, फिर ये सेव कर लेता है, इतनी किलोमीटर गाड़ी चल गई, करंट डिस्प्ले करता रहता है कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है।